नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया जिले में कोरोना काल के दौरान पूजा अर्चना के साथ कजरिया का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां सुबह से ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी गई एवं लोगों के घरों में धार्मिक अनुष्ठान किया गया। वही सायकालीन के दौरान जिले वासियों के द्वारा नदी तालाब एवं अन्य स्थानों में कजरिया विसर्जन का कार्य किया गया एवं कजरिया विसर्जन के तत्पश्चात लोगों ने सभी को कजरिया देकर उनका सम्मान किया गया। वही धर्म गुरुओं ने बताया कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन कजरिया का पर्व मनाया जाता है, जहां बड़े बुजुर्ग कजरिया आदान प्रदान पर अपने से रिश्तों में छोटे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं एवं छोटे लोग भी अपने बड़ों को सम्मानित करते हैं। यह कजरिया पर्व शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा असर देखने को मिला है। वही इस दौरान विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही एवं पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से जिले वासियों से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगाकर कजरिया पर्व मनाने की अपील की गई। वही कोरोना काल के दौरान विगत वर्षों की भांति इस वर्ष का कजरिया पर्व फीका दिखाई पड़ा, जहां लोगों ने अपने अपने घरों पर रहकर ही खुशहाली के साथ कजरिया पर्व को मनाया। पेशे उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आज कजरिया का शुभ पर्व है। कोरोना काल के चलते जो डिस्टेंस बना करके हम लोगों ने इसको मनाया है। आज जो हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और इसका जो है अधिकतर प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा है। कजरिया का पर्व है जो बहुत ही अति उत्सव से मनाया जाता था, पर ये कोरोना वायरस के चलते बहुत बड़ी धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है। पर्व मना रहे हैं यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, ये पर्व उत्सव से नहीं बना रहे हैं पर बना रहे हैं। आज हमारे यहाँ खुजलैया का त्यौहार है, आज त्यौहार मनाया जा रहा है और भाईचारे लोग जो हैं सब एक दूसरे को खुजलैया देकर गले मिल जा रहे हैं। जैसा मनाया गया था उस तरह नहीं मनाया जाता, भीड़ भाड़ बहुत कम है और ये सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाया जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग आस्था विश्वास के साथ जिस तरह परंपरागत भारत में मनाया जाता है मनाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग एवं के लिए कोरोना वायरस से उसी के हिसाब से सभी लोगों ने त्यौहार मनाया। मानवाधिकार एसोसिएशन का मैं प्रवक्ता हूं और मुझे बड़ी खुशी है, अपार हर्ष का विषय है ये कि हम लोग सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कजरिया पर्व मना रहे हैं और सभी लोग मास्क का और सरकार के नियमों का सभी तरह से पालन कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की हमारे ज़िले में सभी लोग बहुत जागरूक हैं और समाज सेवी संस्थान, सरकार, सभी हमारे पत्रकार मित्र, आप और सभी लोग हमें मिलकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं और हमको इस बीमारी से भी बचा रहे हैं और हमारे सारे त्यौहार भी हमारी इच्छा अनुसार पूरे हो रहे हैं। अलाउद्दीन की लड़ाई के समय से कजरिया का त्यौहार मनाया गया। लगभग सारे हिंदुस्तानों में इसे हिंदू धर्म के व्यक्ति बहुत अच्छे से मनाते हैं। कोरोना की वजह से ये सब लोग अपने अपने घर में त्यौहारों को मना करके और गांव के नज़दीक जलाशय इत्यादि में इनका विसर्जन कर देते हैं और मोबाइलों के द्वारा या लोगों को फ़ोन के द्वारा अपना अपना मिलन कर देते हैं, जैसे भाईचारा का मिलन। कजरिया जो पर्व है शहर की अपेक्षा गाँव में और ज़्यादा भाईचारों के द्वारा मनाया जाता है। बूढ़े बच्चे इत्यादि ये सब लोग इस कजलियों की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि उनका जीवन ये हरी हरी कजलियों की तरह उन्नतिमय हो और इस कोरोना जैसे काल से बाकी बिहारी इन सभी को मुक्ति दें कि ये लोग स्वस्थ होकर के इसी तरह इनका परिवार हरियाली में भरपूर हो। निश्चित रूप से कजलियाँ जो है अभी सुनसान लग रहा है हमारे उमरिया नगर में, इसकी बड़ी वो समझ में आ रही है कि यहाँ पर शांति है पूर्ण रूप से, उसका कारण ये जो कोरोना काल है और निश्चित रूप से कोरोना जैसी बीमारी बहुत ही खतरनाक है जिससे शासन प्रशासन सारी व्यवस्था में लगा हुआ है। सबको कजरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कजरिया राखी के दूसरे दिन मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये महोबा ने स्टार्ट किया था कजरिया, पृथ्वीराज चौहान और अल्लाह उदल के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बीच लड़ाई में विजय हुई थी, फिर उसके बाद कजरिया मनाया जाता है। अपने कान में बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं और कान के पीछे कजरिया घुसते हैं और ये कजरिया पर्व मनाया जाता है। हर बार भीड़ रहती है बहुत, पर इस बार कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस को देखते हुए सभी हर घर में ही
हम यूँ कह सकते हैं कि सदियों से इस पर्व को हम सेलिब्रेट करते चले आए हैं और हमारे सारे पर्व खुशियों के प्रतीक हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त धान का रोपा लग रहा होता है और उसी दौरान ये रक्षाबंधन के बाद में कजलियों का त्यौहार होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें जिसको हम कहते हैं ना कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो हमने कई बार ये महसूस किया है कि जिन लोगों की आपस की बातचीत नहीं होती थी, पांच कजलियों के दिन लोगों के यहाँ जाते थे और उनसे कजलियाँ भेंट करते थे और उनकी वो जो पुरानी बुराइयाँ वो समाप्त हो जाती थी। इस तरह कि ये बड़े हर्षोल्लास का पर्व है। और दूसरी तरफ हम ये देखते थे कि इसमें बड़े बुजुर्गों से जो आशीर्वाद प्राप्त होने की परंपरा है और उनसे जो कुछ पैसे मिलते थे, हम छोटे छोटे थे तो हम अपने बुजुर्गों के पास में जाते थे और वो कजलियाँ हमारे कान में वो खोजते थे, हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे, साथ में कुछ मुद्रा भी मिल जाती थी जिससे हम बड़ा मौज किया करते थे। तो ऐसे दौर में, जबकि बहुत संकट का दौर है, उस दौर में भी इस तरह का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। मैं एक बार सभी अपने नगरवासियों को, अपने जिलेवासियों को कजलियों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। श्रावण मास की पूर्णिमा के दूसरे दिन माताएं, बहनें, बेटियां सभी उत्साहित के साथ कजलियों को बोती हैं और सदा से विसर्जन करना, मंगल गीत गाना, एक दूसरे से मिलना, दिल में अगर किसी प्रकार का वार्ता चीज से या किसी भी प्रकार से मानसिक थोड़ा बहुत अगर किसी को तनाव है उसको भी निकाल करके कजलियों से एक दूसरे दिल मिलते हैं, गले मिलते हैं भावपूर्वक। लेकिन ये कोरोना काल लॉकडाउन के अंतर्गत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सभी लोगों ने मास्क को लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। हम माताएं, बहनें एवं सभी भाइयों ने एक दूसरे से मिले, लेकिन मानसिक दृष्टि और अन्य प्रकार से मिलन किए, कोई खबर से, कोई मैसेज से, कोई किसी प्रकार से, सभी दूसरे से मिले हैं। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कजलियाँ मनाई गई और कजलियों के पर्व में इस वर्ष अन्य वर्ष से भी अच्छा शांति के साथ में और मंगलमय आनंद के साथ मनाया गया। इसमें शासन प्रशासन भी अपनी सारी व्यवस्थाओं को मुस्तैद रखा और शासन प्रशासन जिलेवासियों को, समस्त लोगों को समझाइश दे करके जहाँ उचित व्यवस्था जहाँ जैसी लगी वहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा जी एवं समस्त पुलिस दल बल के साथ में अपने अपने पॉइंटों को सही समय पे, सही विचार के साथ में सभी को समझाइश दे करके कजलियों का पर्व मनवाया गया। पर्व का विशेष महत्व यही है, साथ में और बड़े हर्ष के साथ में, बड़े खुशी के साथ में भारतवर्ष को, विश्व को बड़ी खुशी है कि कल हमारे अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन शुभारम्भ किया जा रहा है। और विशेष तौर से अयोध्या इस समय जो दर्शनीय है, अयोध्या के समान है। हम इसी लॉकडाउन के चलते अपने स्थान अयोध्या तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे सभी इष्ट मित्र संतजन, गुरु भाईजन, गुरुजन, छोटे बड़े सभी लोग हैं। हम एक दूसरे के संपर्क में सदा हनुमानगढ़ी से लगे हुए हैं और हनुमानगढ़ी से सदा चल रहा है। सीताराम बोलते हुए और एक दूसरे को फिर से दिल में मिले, फिर से राम राज्य आए, इसकी प्रभु श्री राम से मनोकामना करें।